बलोचिस्तान की ताजा तरीन खबरों के साथ सबसे पहले मशरिक हेडलाइंस। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीजाम कमाल खान ने समाजी राबते वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि मैट्रिक इम्तिहान का इनेकाद अपने वक्त पर किया जाएगा। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासिन जई ने कहा है कि बलोचिस्तान थिंक टैंक नेटवर्क का क़याम एक खुश आइंद अमल है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बलोचिस्तान बार एसोसिएशन के सदर इकबाल हसन कासी एडवोकेट की जानब से क्वेटा अब्दुलसतार ईडी चौक पर जारी बलोचिस्तान एम्प्लॉज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस के धरने से मुतालिक आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासी ने कहा है कि हुकूमत चलाने के लिए सियासी विजन चाहिए। मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बलोचिस्तान के सूबाई सदर मलिक इमरान काकड़ और अकीन सूबाई कमेटी ने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में माली बहरान को तशवीशनाक करार दे दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बरए इतलात मोहतरमा बुशारिन ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान के अमन अमान की जामिन हैं। बलोचिस्तान की दीगर सियासी जमातों ने ग्रैंड अलायंस के धरने से खिताब करते हुए कहा कि मईशत को आसमान की बुलंदियों पर पहुँचाने वाले कहाँ हैं। सूबाई वजीर ज़राअत इंजीनियर ज़मर खाना चकजई ने कहा है कि एएनपी का पीडीएम से अलहदा होना उसूलों पर मबनी है। मुख्तलिफ रोड हादसे, दोनों बच्चे जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीजाम कमाल खान ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि इंशाअल्लाह मैट्रिक इम्तिहान का इनेकाद अपने वक्त पर किया जाएगा। असातिज़ा और तमाम यूनियंस की मुकम्मल मदद की जाएगी जो हमारे मौकफ की हिमायत करते हैं। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासिन जई ने कहा है कि बलोचिस्तान थिंक टैंक नेटवर्क का क़याम एक खुशाइन अमल है। गवर्नर यासिन जई ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि सूबे में थिंक टैंक की अदम मौजूदगी और रिसर्च सेंटर्स के फुकदान की वजह से हम अपने माहिरीन से इस्तफादा ना कर सके। ये बात उन्होंने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज में बलोचिस्तान थिंक टैंक नेटवर्क के क्याम से मुतालिक इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कही। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बलोचिस्तान बार एसोसिएशन के सदर इकबाल अहसन कासी एडवोकेट की जानब से क्वेटा के अब्दुलसतार ईदी चौक पर जारी बलोचिस्तान एम्प्लॉज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस के धरने से मुतालिक आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार की जानब से नसीबुल्ला तरीन एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दौरान समाज चीफ जस्टिस जस्टिस जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस जनाब जस्टिस कामरान मुल्ला खेल ने एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान एहतजाज करने वाले मुलाजमिन के नुमाइंदों को नोटिस जारी कर दिए और केस की समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासी ने कहा है कि पीडीएम कायम और दायम है, सेलेक्टेड वजीर आजम अपनी फिक्र करें। जहांगीर तरीन अब सेलेक्टेड वजीर आजम से बहुत दूर चले गए हैं। एएनपी और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को छोड़कर जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचाया है। हमारे लिए इक्तदार कोई मायने नहीं रखता। मर्दमशुमारी के नतज को फौरी तौर पर जारी किया जाए। सूबे में एहतजाज पर एहतजाज जारी है और वजीर आला सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करके हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत चलाने के लिए सियासी विजन चाहिए, मगर इनके पास ना तो सियासी विजन है और ना ही हुकूमत चलाने का इख्तियार है। मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बलोचिस्तान की सूबाई सदर मलिक इमरान काकड़ की ने सूबाई कमेटी ने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में माली बहरान को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि ये बलोचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला है। बलोचिस्तान में कबायली सूबे के नाम पर जागीदाराना फरसुदा सोच के हामिल हुक्मरानों ने सूबे के अवाम को माली और जहनी तौर पर पसमानदगी का शिकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सूबाई और विफाकी हुकूमतों ने बलोचिस्तान की सबसे बड़े इल्मी मरकज़ को मुसलसल नज़रअंदाज कर रखा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बरए इतलात मोहतरमा बुशारिन ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान के अमन अमान के जामिन हैं और उनकी कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन के लिए सिया पिलाई हुई दीवार बन गए हैं। सूबे की अमन अमान को मुस्तकिल तौर पर बहाल करने के लिए सूबाई हुकूमत वजीर आला बलोचिस्तान की क़्यादत में तमाम तर इकदाम उठा रही है। हालिया मस्तूंग में जारी ऑपरेशन इन्हीं इकदाम का एक तसलसल है। बलोचिस्तान की दीगर सियासी जमायतों ने ग्रैंड अलायंस के धरने से खिताब करते हुए कहा कि अगर जाम की हुकूमत ने सरकारी मुलाजमन की तनख्वाहों में इजाफा न किया और उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं किए तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़रा और अपने लिए अरबों रुपये मुराद के फर्ज जारी करते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमन के जायज़ मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है।
ये मईशत को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले कहाँ हैं? डॉलर कहाँ पहुंचाया है? आज उन्होंने लोगों को तड़पा दिया है। सूबाई वजीर ज़राअत इंजीनियर ज़मर खान अचकज़ई ने कहा है कि एएनपी जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो कुर्बानियाँ दे रही है किसी और सियासी जमात ने नहीं दी है। पीडीएम से अलहदा होना उसूलों पर मबनी है। दूसरी सियासी जमातें अवामी नेशनल पार्टी को शो कॉज नोटिस नहीं दे सकते। हम सिर्फ और सिर्फ असवंद यार वली के शो कॉज नोटिस के ताबे हैं, किसी और के नहीं। उन्होंने कहा कि एएनपी का पीडीएम से अलहदा होना उसूलों पर मबनी है। किसी एक जमायत का अपना फैसला दूसरी जमायतों पर मुसलत करना या उनको अपने ताबे बनाना गैर सियासी तर्ज अमल है। मुख्तलिफ रोड हादसे, दोनों बच्चे जाँ बहक हो गए, ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रैक्टर और कार गाड़ी पुलिस हिरासत में, मजीद कार्रवाई पुलिस कर रही है। तफसीलात के मुताबिक उस्ताद मोहम्मद और कैटल फार्म के हदूद में दो मुख्तलिफ एक्सीडेंट में दो कमसिन बच्चे जाँ बहक हुए। पहला वाकया मक्सी मार्केट के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक 10 साल बच्चे मोहम्मद साले को कुचल डाला। पुलिस ने ड्राइवर और ट्रैक्टर तहवील में ले लिया, जबकि दूसरा वाकया कैटल फार्म थाने के हदूद खीथर कैनाल के करीब तेज रफ्तार कार ने 12 साल कलीमुल्ला सरबर्रा को कुचल डाला, जो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। एसएचओ मकबूल जमाली ने कार और उसके ड्राइवर को तहवील में ले लिया। मजीद सिटी थाना और कैटल फार्म थाना पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।